Hello friends, this is Nardeep Budwal. Welcome to my channel NarrusAutoVlogs. First of all, happy Janmashtami to all of you friends. दोस्तों आज मैं करने वाला हूं कंप्लीट वॉक अराउंड रिव्यू मारुति सुजुकी की न्यूली लॉन्च्ड XL6 की, जिसके लिए मैं आया हूं नेक्सा शोरूम में। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल नरूज ऑटो ब्लॉग को और बेल आइकन का भी बटन दबा दीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। मैं यूं ही रोजाना ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी न्यूज, रिव्यूज, टेस्ट ड्राइव्स, वॉक अराउंड्स, कंपैरिजन, एक्सेसरीज आपसे साझा करता रहता हूँ। तो चले दोस्तों, बिना किसी विलंब के स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये है मारुति सुजुकी की न्यूली लॉन्च्ड XL6, जो कि एक MPV है, जिसमें MPV, क्रॉसओवर और SUV तीनों की झलक दिखती है। XL6 अर्टिगा पे बेस्ड है, दोनों ही हार्टेक प्लेटफॉर्म पे तैयार किए गए हैं। ये है XL6 की टॉप एंड वेरिएंट अल्फा AMT और जिसकी एक्सोरूम प्राइस है 11.46 एंड ऑन रोड प्राइस है 13.45 लाख। सबसे पहले बात करते हैं फ्रंट प्रोफाइल की, तो इसमें क्वाड LED हेडलैम्प्स 4 रिफ्लेक्टर चैम्बर में दिए गए हैं, जो कि इसके ब्राइटनेस को और बढ़ा देते हैं। टर्न इंडिकेटर दिए गए हैं और यहाँ पे बहुत ही शानदार DRL प्रोवाइड की गई है LED में ही, और जस्ट उसके नीचे LED फॉग लैम्प दी गई है ब्लैक हाउसिंग में, और यहाँ पे हेक्सागोनल ब्लैक एंड क्रोम इंसर्ट्स में दी गई है, और सुजुकी का लोगो जस्ट उसके नीचे एयरडैम ब्लैक कलर में, और स्किड प्लेट बहुत ही शानदार सिल्वर कलर में दिए गए हैं, और इसके फ्रंट प्रोफाइल बहुत ही अग्रेसिव और बोल्ड नजर आती है। और साइड प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो चारों ओर ब्लैक क्लैडिंग दी गई है, जो कि काफी शानदार यहाँ पे लुक दे रहे हैं। और यहाँ पे बहुत ही स्टाइलिश 15 इंच के ब्लैक अलॉय व्हील दिए गए हैं, और व्हील साइज है 185/65R15। इसके अलॉय व्हील अर्टिगा से रिजेंबल करते हैं, अर्टिगा में सिल्वर कलर के अलॉय व्हील मिलते हैं, और यहाँ पे इग्निस जैसे ही इंसर्ट्स दिए गए, जैसे कि आप देख पा रहे हो। ORVM की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश में विद टर्न इंडिकेटर ORVM दी गई है, जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल है। और डोर हैंडल की बात करें तो यहाँ पे क्रोम इंसर्ट्स मिल जाते हैं। साइड में भी स्किड प्लेट सिल्वर में दी गई है, जैसे कि फ्रंट एंड रियर में दी गई है, और यहाँ पे बहुत ही स्टाइलिश ड्यूल टोन ब्लैक एंड सिल्वर कॉम्बिनेशन में रूफ रेल दी गई है, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव यहाँ पे लुक दे देते हैं। डायमेंशंस की अगर हम बात करें तो लेंथ 4445 mm, विड्थ 1775 mm, हाइट 1700 mm, व्हील बेस 2740 mm, टर्निंग रेडियस 5.2, ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm, बूट स्पेस 209 लीटर्स एंड फ्यूल टैंक 45 लीटर्स दी गई है। रियर प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो ये अर्टिगा से रिजेंबल करता है, और सबसे ऊपर इंटीग्रेटेड स्पॉइलर पे हाई माउंटेड LED स्टॉप लैंप दी गई है, जस्ट उसके नीचे डिफॉगर दी गई है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। जस्ट उसके नीचे रियर वाइपर, और यहाँ पे बहुत ही स्टाइलिश LED टेल लैंप दी गई है, जो कि काफ़ी शानदार लुक दे देते हैं और अर्टिगा से मेल खाते। और यहाँ पे ब्लैक पियानो ब्लैक फिनिश में इंसर्ट्स दिए गए हैं रियर में, और क्रोम गार्निश यहाँ पे दी गई है, और सुजुकी का लोगो जस्ट उसके नीचे नंबर प्लेट की जगह, और यहाँ पे रियर पार्किंग कैमरा प्रोवाइड की गई है। लेफ्ट साइड XL6 की बैजिंग एंड राइट साइड स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग, और बम्पर पे रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, और नीचे बम्पर पे स्किड प्लेट सिल्वर में दी गई है फ्रंट की तरह ही। ब्रेक की अगर हम बात करें तो फ्रंट में वेंटिलेटेड डिस्क एंड रियर में लीडिंग एंड ट्रेलिंग ड्रम दी गई है। सस्पेंशन की अगर हम बात करें तो फ्रंट में मैकफर्सन स्ट्रट एंड कोयल स्प्रिंग एंड रियर में टोर्जन बीम एंड कोयल स्प्रिंग दी गई है। जहां तक इंजन की बात करें तो इसमें 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर K15B स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन आता है, जो कि 6000 RPM पे 103 PSP की पावर एंड 4400 RPM पे 138 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। अगर हम ट्रांसमिशन की बात करें तो इसमें 4-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आता है। जहां तक मैनुअल ट्रांसमिशन की बात करें तो इसमें 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आता है। सेफ्टी फीचर्स की अगर हम बात करें तो इसमें ड्यूल एयरबैग, ABS विद EBD, ब्रेक असिस्ट, रिवर्स पार्किंग कैमरा, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, इंजन इमोबिलाइजर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम विद हिल होल्ड, ISOFIX चाइल्ड सीट एंकर्स,
हाई स्पीड अलर्ट सिस्टम, सीट बेल्ट, प्री टेंशनर्स विद फोर्स लिमिटर्स जैसे सेफ्टी फीचर्स इसमें दिए गए हैं। इंटीरियर की अगर हम बात करें तो हमेशा की तरह फ्रंट डोर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ऑल ब्लैक स्पोर्टी इंटीरियर दी गई है। पावर विंडो के कंट्रोल, ORVM के कंट्रोल और डोर हैंडल पे क्रोम इंसर्ट्स, नीचे 1 लीटर का वाटर होल्डर और थोड़ी सी स्पेस और स्पीकर की जगह दी गई है। और यहाँ पे राइट साइड आप देख पा रहे होंगे कि पुश स्टार्ट स्टॉप बटन दी गई है। जस्ट उसके नीचे आपको हिल होल्ड एंड स्मार्ट हाइब्रिड के कंट्रोल एंड जस्ट उसके एडजस्टेंट हेडलैम्प लेबलर दी गई है। और नीचे आपको डेड पेडल दी गई है जो कि लॉन्ग जर्नीज में कंफर्ट राइड के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और यहाँ पे बहुत ही शानदार हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट दी गई है जो कि काफ़ी कंफर्टेबल आपको फील होता है यहाँ पे। और यहाँ पे लेदर अपोस्टी ब्लैक दी गई है और हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट दी गई है। एक बार मैं आपको डैशबोर्ड दिखा देता हूँ। इसके ऑल न्यू स्पोर्टी इंटीरियर बहुत ही प्रीमियम लगता है। यहाँ पे एक बार अच्छे से चेकआउट कर लीजिए दोस्तों। और अगर हम इसके सेंटर कंसोल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का लुक आता है। और यहाँ पे स्लाइडिंग आर्मरेस्ट दी गई है जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये स्लाइड हो जाती है। और इसमें स्टोरेज दी गई है, जस्ट इसके अंडरनीथ बहुत छोटी सी स्पेस है। जस्ट उसके आगे क्रोम इंसर्ट्स में हैंड्रिक दी गई है। और यहाँ पे बहुत ही स्टाइलिश सिल्वर इंसर्ट्स में 4 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दी गई है जैसे कि आप देख पा रहे हो। और उसके आगे आपको यहाँ पे कूल्ड कप होल्डर दी गई है और वहाँ पे थोड़ी सी स्पेस। और यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जर और जस्ट उसके एडजस्टेंट ऑक्स एंड USB पोर्ट दी गई है जैसे कि आप देख पा रहे हो। और जस्ट उसके ऊपर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दी गई है और जिसका डिस्प्ले आपको इस ब्लैक इंसर्ट्स में दिखाई देंगे। ग्लोव बॉक्स की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी जगह यहाँ पे ग्लोव बॉक्स में मिलती है, लेकिन ये कूल ग्लोव बॉक्स नहीं है दोस्तों। इसमें बहुत ही स्टाइलिश 7 इंच का टच स्क्रीन स्मार्टप्ले स्टूडियो दिया गया है जो कि सपोर्ट करता है एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, नेविगेशन जो कि लाइव ट्रैफिक अपडेट भी देता है, वॉइस कमांड, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, रेडियो FM, ऑक्स एंड USB। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत ही स्टाइलिश इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दी गई है जिसके राइट साइड स्पीडोमीटर, लेफ्ट साइड RPM मीटर, बीच में MID विद कलर TFT दी गई है जिसमें मल्टी इन्फॉर्मेशन मिलती है जैसे गियर शिफ्ट इंडिकेटर, इको ड्राइव इल्यूमिनेशन, डिजिटल क्लॉक, आउटसाइड टेम्परेचर गेज, फ्यूल कंजम्पशन इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज भी मिलती है इसमें, डिस्टेंस टू MT, हेडलैम्प ऑन वार्निंग, डोर अजर वार्निंग जैसे फीचर्स इसमें दी गई है। स्टीयरिंग व्हील को आप कुछ इस तरह टिल्ट कर सकते हो, इसमें टेलीस्कोपिक नहीं होता है। इसमें बहुत ही स्टाइलिश 3 स्पोक्स लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील मिलती है सिल्वर इंसर्ट्स में जिसके लेफ्ट साइड ORVM कंट्रोल एंड राइट साइड क्रूज कंट्रोल की सुविधा दी है जैसे कि आप देख पा रहे हो। बीच में सुजुकी का लोगो, को पैसेंजर साइड सन वाइजर पे वैनिटी मिरर प्रोवाइड की गई है जैसे कि आप देख पा रहे हो, विद इल्यूमिनेशन जो कि एक प्लस पॉइंट है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सन ग्लास होल्डर की तो यहाँ पे सन ग्लास होल्डर यहाँ पे दी गई है। और जस्ट उसके ऊपर कैबिन लाइट दी गई है, 2 कैबिन लाइट दी गई है जैसे कि आप देख पा रहे हो, और जिसका आप स्विच यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। और राइट साइड यानी ड्राइवर साइड भी वैनिटी मिरर आपको प्रोवाइड की गई है सन वाइजर पे विद इल्यूमिनेशन। और सेंटर में IRVM दी गई है जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। चलिए दोस्तों रियर कैबिन की बात करें तो हमेशा की तरह रियर डोर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ऑल न्यू ब्लैक थीम दी गई है रियर डोर पे ही। और यहाँ पे पावर विंडो के कंट्रोल और डोर हैंडल पे क्रोम इंसर्ट्स, नीचे 1 लीटर का वाटर होल्डर एंड थोड़ी सी जगह और स्पीकर की जगह दी गई है। और यहाँ पे रूफ माउंटेड AC वेंट दी गई है, फ्रंट में भी ऐसे ही दिए गए हैं Ertiga की तरह ही। और यहाँ पे बहुत ही स्टाइलिश कैप्टन सीट्स दिए गए हैं मिडिल रो में। और इसमें 2+2+2 की सीटिंग अरेंजमेंट दी गई है। और इसमें ISOFIX चाइल्ड्स एंकर्स यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। आइए अंदर बैठ के देखते हैं इसमें लेग रूम कितना है। काफ़ी अच्छी खासी जगह यहाँ पे लेग रूम की दी गई है। और हेडरूम की बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे हेडरूम दी गई है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है हेडरूम की। ये जो कैप्टन सीट है ये
पूरी तरह फोल्ड हो जाती है और इसे आगे की ओर स्लाइड कर सकते हैं इस तरह, जिससे हम अंदर इंग्रेस होके यहाँ पे रियर सीट्स में बैठ जाते हैं। और यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी खासी जगह यहाँ पे मिल जाती है हमें। तो रियर सीट में हेडरूम और लेग रूम की भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, जैसे कि आप देख पा रहे हो आप इजीली यहाँ पे कंफर्टेबली बैठ सकते हो। और यहाँ पे राइट साइड एंड लेफ्ट साइड वाटर होल्डर दी गई है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो काफ़ी ध्यान रखा गया है यहाँ पे। और यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जर लेफ्ट साइड दिया गया है, आप अपने मोबाइल वगैरह चार्ज कर सकते हैं। और चारों तरफ ग्रैब हैंडल दी गई है। चलिए बूट की ओर ध्यान दें तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक पुश बटन दी गई है, जिससे आप थोड़ी सी पुश करके ये बूट खोल सकते हैं। और यहाँ पे 209 लीटर का बूट स्पेस आपको प्रोवाइड की गई है, जो कि अर्टिगा से थोड़ी सी बड़ी है। और यहाँ पे टूल्स रखने की जगह दी गई है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो यहाँ पे टूल्स आपको प्रोवाइड की गई है। अगर हम स्पेयर व्हील की अगर हम बात करें तो जस्ट इसके बूट के अंडरनीथ यहाँ पे स्पेयर व्हील प्रोवाइड की गई है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और बम्पर पे बात करें रियर पार्किंग सेंसर की यहाँ पे दी गई है। और यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स दी गई है, जो कि काफ़ी स्टाइलिश हाउसिंग में दी गई है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। और बूट गेट पे आपको ग्रैब हैंडल मिलती है, जिसे ग्रैब करके इसे बंद करते हैं। इसके थर्ड रो को अगर हम फोल्ड करते हैं तो 550 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, वहीं इसके सेकंड रो को फोल्ड करने पर 692 लीटर का बूट स्पेस प्रोवाइड हो जाता है। XL6 6 कलर में अवेलेबल है, नेक्सा ब्लू, ब्रेव खाकी, अर्बन रेड, मैग्मा ग्रे, प्रीमियम सिल्वर, आर्कटिक वाइट। ये थी दोस्तों मारुति सुजुकी की लेटेस्ट लॉन्च XL6 की कंप्लीट वॉक अराउंड रिव्यू। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों, और एक लाइक तो बनता है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।